छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के द्वारा गौ माता की सुरक्षा और गोबर के महत्व को कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने की मंशा को लेकर पिछले वर्ष गौ धन न्याय योजना का शुरुआत किया था, जिसके लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति भी हुआ था, मगर आज की स्थिति में यह योजना टाइफस होता नजर आ रहा है। ऐसा ही खस्ता हाल में गंडई तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिलगुड़ा का गौठान है, जो महज साल के अंदर ही कबाड़ की स्थिति में नजर आ रहा है। इस गौठान निर्माण में लाखों रुपए खर्च किए गए, मगर आज स्थिति यह है कि गौठान बंदरबाट होता नजर आ रहा है। गौठान निर्माण खर्च की लागत राशि, इस सब जानकारी के लिए नागरिक सूचना पटल लगाया जाता है, मगर इस गौठान में सूचना पटल भी गायब है, ना ही गौठान में घेरा का व्यवस्था है। वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए बनाए गए टंकियों में भी पूरा दरार और जर्जर स्थिति में नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत चिलगुड़ा गौठान के समीप 6 लाख की लागत से महिला सेट बनाया गया है, जो भवन में जगह जगह दरार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सूचना पटल के हिसाब से इन भवनों को बने महज 1 साल ही हुए हैं और जगह जगह दरार आना कहीं ना कहीं कार्य में गुणवत्ता की कमी के कारण है। ग्रामीण इस पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार और हम इस वक्त है गंडई तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिलगुड़ा में। कुछ लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत चिलगुड़ा में गौठान निर्माण को लेकर शिकायत मिली थी कि गौठान में यथास्थिति देखने पर कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था कहा जाए तो न ही पानी की व्यवस्था नजर आ रही है और न ही गौठान में गोबर की खरीदी हो रही है और न ही बाउंड्री वाल की व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक ढंग से है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर यथास्थिति आप यहाँ पर आकर देखने में पता चल रहा है कि यहाँ पर ना ही गौठान निर्माण का कोई सूचना बोर्ड लगा है, जिससे पता चल सके कि गौठान की लागत जो निर्माण हुई उसकी लागत कितने की है और क्या स्थिति में बना है, क्या क्या बनाया गया है और किस किस व्यवस्था के लिए बनाया गया है, इसकी कोई जानकारी सही ढंग से सूचना पटल नहीं होने के कारण नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा नरवा घुरवा बारी एक योजना लाई गई थी, इस योजना में एक अच्छा नाम दिया गया था गौठान योजना के तहत, जिसमें किसानों के जो गाय हैं उनका गोबर का खरीदी करना है, उस गोबर की खरीदी से खाद बनाना है और उस खाद को किसानों को खेतों में फिर से देना है, जिससे अच्छी फसल हो सके, लोगों को शुद्ध भोजन मिल सके। ये सब विचार रखते हुए सरकार के द्वारा योजना लाई गई है, लेकिन यह योजना लगातार हम लोग जहां भी गौठान में जा रहे हैं गौठान की स्थिति सही नजर नहीं आ रही है। गोबर खरीदी लगभग जगह में ऐसी स्थिति है कि बंद नजर आ रही है और जिसकी अधिकारियों के द्वारा लगातार मुआयना नहीं किया जाता, जाँच नहीं किया जाता, इसी वजह से आज गौठान में मतलब बोले तो पूरा महिला सेट वगैरह करके कि गौठान बस कर जो उनको वो समथिंग 6 लाख का तो महिला सेट है, 4 लाख का गौठान का है और 3478 का तरल ठोस अवशिष्ट वाला है। अच्छा, आपके गौठान में घेरा नहीं लगाया गया? नहीं, मांग बहुत दिन से, मैं को सीओ साहब से बात रखा हूँ कि मेरे यहाँ पहले तार फिनिशिंग का जरूरत है, उसके बाद फिर गौठान है, मतलब हमारे यहाँ राउत लोग तो चराते नहीं हैं, है ना, तो मैं बोला कि सर मेरे यहाँ कम से कम 2-3 लाख का तार फिनिशिंग का व्यवस्था कर दो, प्रस्ताव भी दे चुका हूँ, उसके बाद भी कुछ अभी तक नहीं है। अभी सुनवाई में आया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 लाख का तार फिनिशिंग का सेक्शन हुआ है। सूचना पटल अभी तक नहीं लगाया और गौठान दरार की स्थिति में आ गई। हाँ, तो सूचना पटल वही बता रहा हूँ ना भाई, आपको सूचना पटल तो नहीं लगाया हूँ। नहीं लगाने का कारण क्या है? कारण नहीं, वही अब भूल के कारण हुआ है कुछ, अब जैसे महिला सेट में है, मेरे को भी उन्हें जानकारी नहीं है, नया नया राजनीतिक में उतरा हूँ, जैसे भी है तो सूचना पटल नहीं लगाना एक चूक के कारण है। चूक के मतलब वही कि मतलब आज कराएंगे कल लगा लेंगे बना देंगे इस टाइप का। और इतना जल्दी गौठान में दरार आने का क्या कारण है? अब दरार वही है, हमारे गाँव जो है जैसे भी कलम खड़ो करो या भीम कलम करो, उसमें कितना भी मेहनत करोगे तो हमारे यहाँ का जो मिट्टी है वो बहुत क्या बोलते काली मिट्टी है, उसके वजह से ना क्या है उधरार की संभवता है। स्वीकृति राशि गौठान का पूरा खत्म हो चुका है? हाँ, स्वीकृति उसका स्वीकृति राशि मतलब काम हो गया है, पैसा नहीं आया है, पैसा तरल ठोस वाला गौठान का तो हो गया है, गोबर खरीदी वहाँ पर हुआ है? हाँ, हो रहा है, हो रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग जब गए थे वहाँ पर तो गोबर नहीं, तो उसको डलवा दिया हूँ ना, टंकी में डलवा हूँ, टंकी खाली था ना जो आप देखे हो। आपका नाम और पद बताइए। ईश्वर राम साहब, सरपंच पति निधि, ग्राम पंचायत चिलगुड़ा। गंडई से रवि रजक, सीजी विजन टीवी।